बंदे जी की पूरे देश के मुख्यमंत्री जी के साथ इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें कही, हमने भी कि समय की पाबंदी थी, बहुत संक्षिप्त में हमने बातों को रखा और बहुत बाकी बातें जो रह गई या विस्तृत बातें हैं वो हम लोग लिखित रूप में भी अवगत कराते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी खबरें या अपनी जानकारी या अपने सुझाव केंद्र तक हम लोग पहुँचाते हैं। समय अभाव में हमने अपनी बातें रखी कि जिस तरीके से मजदूर अपनी गांव की ओर चल पड़े और इस दौरान कई घटनाएं घटी, कई लोगों की जानें चली गई, पटरियों पर बालगाड़ी से लोगों की जानें चली गई, तो ऐसी कई घटना एकदम दर्दनाक घटना घटी। हमने कहा कि उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए क्योंकि हमारा राज्य मजदूरों किसानों का ये प्रदेश है। हमने मौजूदा हालात में मनरेगा पर जोर देते हुए मनरेगा में कुछ सरलीकरण की मांग भी हमने की है और लोगों को जो भुगतान है उसमें भी जल्द करने का आग्रह किया है। धन संग्रह पर राज्यों को कर लगाने की या धन संग्रह करने की उपाय या क्षेत्रों में कुछ छूट मिले, ये बात सही है कि आज आर्थिक गतिविधि, आर्थिक स्थिति देश की और राज्यों की अच्छी नहीं। ऐसे स्थिति में हमारे राज्य पर तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पे, एक एक रुपया को लेकर के हमें केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, तो क्यों नहीं धन संग्रह पर भी राज्य सरकारों को अधिकार मिलना चाहिए। मौजूदा टैक्स व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो विचार होना चाहिए ताकि राज्य सरकार भी अपनी संसाधनें बढ़ा सके और आज के स्थिति में मौजूदा संक्रमण में लोगों की जान बचे ये प्राथमिकता होनी चाहिए और जीने के लिए और रोजगार के लिए क्या बेहतर संतुलन बने इस पर चिंतन होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी कुछ बातचीत हुई क्या? देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि हमारा संक्रमण जब प्रवासी आएंगे तब बढ़ेगा और आप देख रहे हैं कि प्रवासी भी आ रहे हैं, संक्रमण में भी थोड़ी गति दिख रही है, लेकिन रिकवरी भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमारे राज्य में जो रिकवरी का जो प्रतिशत है लगभग 50% है और देश का लगभग 30% है। अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि संक्रमण से हम लोग बहुत जल्द निकलेंगे और संक्रमण की स्थिति देखकर ही हम लोग राज्य स्तर पर निर्णय लेंगे। वैसे कई राज्यों ने और मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का भी आग्रह किया है और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो सेनापति ही देश के, उनका निर्णय आखिरी निर्णय है। सब लोगों ने सुझाव दिया है और
जो आने वाला समय में 17 तारीख को आएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश को देखते हुए राज्य सरकार आगे निर्णय लेगी। कल सर ट्रेनें स्टार्ट हो रही हैं हेमंत जी, और जब राज्य में ट्रेनें आएंगी? अब देखिए, इस विषय पर तो हमारी प्राथमिकता तो मजदूरों की थी। हमने कहा कि जल्द से जल्द और अधिक से अधिक संख्या में उनको पहुंचाने का कोई व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से लोग चल पड़े हैं रेल के पटरियों पर, मुझे लगता है कि फिर ये अगर यही हालत रहा तो आने वाला समय में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग तो अभी चल ही रहे हैं और उनका गतिविधि अभी सड़कों पर सिर्फ अपना जीवन बचाने को लेकर है। इसलिए अभी देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में क्या स्थिति होती है। सर, क्या प्रधानमंत्री जी की बात से आपको लगा मतलब सेटिस्फैक्शन मिला? क्या लगता है कि वो उन्होंने सुनी है बात? अब सब लोगों की बात सुनने के बाद उन्होंने अब उनका 17 तारीख को जो अगला चरण का लॉकडाउन होगा उस पर क्या दिशा निर्देश होगा वो देखा जाएगा। मतलब झारखंड सेंट्रल के डिसीजन के साथ ही जाएगा? निश्चित रूप से अब ये बात जरूर है, केंद्र सरकार का निर्णय तो पूरे देश के लिए अहम है, इसी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। कुछ चीज़ें जरूर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही चलती है, और फिर तो अलग अलग तरीके से चलना है, अलग अलग व्यवहार पे तो फिर मुझे लगता है नियम कानून का उल्लंघन भी होगा। और इतनी जरूर है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कई चीज़ों पर छूट देती है, जिसके अनुसार राज्य सरकारें भी अपना निर्णय लेती हैं। सर, कई राज्य सरकारें अपने निर्णय ले रही हैं लीकर को लेकर, तो सर आप लोग कुछ ऐसा सोचे हैं? पदाधिकारी इस विषय पर चिंतन में है, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक सर, थैंक यू।